आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अखिलेश ने तैयार किया 2024 जीत का रोड मैप, यूपी से लेकर दूसरे प्रदेशों तक ताबड़तोड़ दौरा कर रहे अखिलेश। लखनऊ में अवैध मलिन बस्तियों का होगा सर्वे, यूपी सरकार कराएगी सर्वे, एलडीए जिला प्रशासन के समन्वय से होगा सर्वे। यूपी में चली तबादला एक्सप्रेस, 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले, एसीएम वित्त प्रशांत द्विवेदी हटाए गए। वाराणसी में कार के बोरे में मिले 93 लाख कैश, गाड़ी नंबर के आधार पर पुलिस वाहन मालिक से करेगी पूछताछ। लखनऊ के हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर शुरू हुआ पुस्तक मेला, पुस्तक प्रेमियों के हर पुस्तक अब एक ही छत के नीचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सपा ने एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। जी हां, जहां अखिलेश यादव ने इस बार खुद कमान संभाल ली है, तो वही यूपी से लेकर दूसरे प्रदेशों का ताबड़तोड़ दौरा कर रहे हैं अखिलेश यादव। वही सपा कार्यकर्ता भी प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों में जाकर अधूरे वादों और जन अपेक्षाओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। सपा सत्ता दल बीजेपी को घेरने के लिए राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय समस्याओं पर भी जोर देगी। सपा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे और उनकी समस्याओं से भी मुखातिब होते हुए नजर आएंगे। तो 2024 को लेकर अखिलेश यादव का प्लान तैयार हो चुका है। जी हां, 2024 का चुनाव अब नजदीक है, जिसके लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अब जमीनी स्तर पर भी उतरने के लिए तैयार हो चुके हैं, जिसके लिए एक रोड मैप यानी कि प्लान तैयार कर लिया गया है। साथ ही कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो वहीं यूपी में शहरों की अवैध मलिन बस्तियों का सर्वे होगा। यूपी सरकार ने सर्वे कराने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं इसके जरिए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चिन्हित किया जाएगा, साथ ही जरूरतमंद को सरकार की तरफ से आवास मिलेगा। तो वहीं पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत गोमती नदी के किनारे से होगी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में ये पूरा अभियान चलाया जाएगा। एलडीए जिला प्रशासन और पुलिस के समन्वय से यह सर्वे होगा। बता दें कि मंडलायुक्त ने बैठक करते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो यूपी सरकार अब सर्वे कराएगी, एलडीए जिला प्रशासन के समन्वय से अब यह सर्वे किया जाएगा, अवैध मलिन बस्तियों का सर्वे किया जाएगा। इस दौरान अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों को चिन्हित किया जाएगा, साथ ही पात्र लोगों को आवास भी देने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा। एलडीए जिला प्रशासन के समन्वय के साथ ये सर्वे किया जाएगा, जिसकी शुरुआत प्रदेश की राजधानी लखनऊ से होगी। आपको बताते चले कि लखनऊ के गोमती नदी किनारे बसी मलिन बस्तियों से सर्वे की शुरुआत की जाएगी। उत्तर प्रदेश में 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। एसीएम वित्त प्रशांत द्विवेदी को हटाया गया, वो आयुष घोटाले में ईडी और सीबीआई की जांच के दायरे में थे। इसके अलावा कानपुर के कमिश्नर राजशेखर का तबादला किया गया है, तो वहीं दीपक कुमार को एसीएस वित्त का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। कानपुर के मंडलायुक्त राजशेखर का भी तबादला कर दिया गया है, उन्हें सचिव कृषि बनाया गया है। वहीं लोकेश एम कानपुर के नए कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा यशोद ऋषिकेश भास्कर सहारनपुर के कमिश्नर बनाए गए हैं। तो यूपी में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस चली है, जहां 5 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिनकी लिस्ट भी अब जारी कर दी गई है। वहीं एसीएस वित्त प्रशांत द्विवेदी अपने पद से हटाए गए हैं। दरअसल आयुष घोटाले में सीबीआई और ईडी की जांच के दायरे में है, जिसकी वजह से उन्हें तबादला उनका कर दिया गया है। अब खबर कानपुर से है, जहां चकेरी थाना अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। महिला का आरोप है कि वो कल्लू नाम के व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। कल्लू शादी का झांसा देते हुए महिला का 2 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। महिला ने कई बार शादी करने का दबाव बनाया, लेकिन आरोपी ने लगातार उसे मना कर दिया। वही इस दौरान महिला को यह पता चला कि जिस कल्लू नाम के आदमी के साथ वो पिछले 2 सालों से रह रही थी, उसका असली नाम अब्दुल वाहिद है।
पीड़ित महिला ने आरोपी के खिलाफ शारीरिक शोषण और नाम बदलकर धोखा देने के साथ ही 1000 रुपए नगद और 2 लाख रुपए के जेवरात हड़पने का आरोप लगाते हुए चकेरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें भी गठित कर दी गई है, साथ ही पुलिस टीम में लगातार दबिश दे रही है। रामा देवी का मैटर, रामा देवी चकरी थाने में आए हुए हैं। हमारा मैटर ये है कि एक कल्लू नाम का व्यक्ति जिसकी चंदनगर चरारी में दुकान है, उसकी वहाँ मेरी स्कूटी बनने जाती थी, तो उससे हमारी जान पर्ची ऐसे हो गई, क्या नाम है, हमारे हस्बैंड क्या नाम है दोस्त यारी में हो गई कि हमारे दोस्त ने चलो ठीक घर आना जाना हो गया, उससे हम लोग का क्या नाम संबंध हो गया। तो जब हमारे हस्बैंड को पता चला तो हमारे हस्बैंड छोड़ के चले गए हमको, तो 3 साल से हमारा शोषण कर रहा है। इसका असली नाम अब्दुल वाहिद सन ऑफ अब्दुल अहद है। तो जब हमको पता चला तो कहने लगा हमसे पहले धर्म परिवर्तन करो, इस्लाम अपनाओ, तब तुमसे शादी करेंगे। अब किस तरह का कार्रवाई जी, हमको इंसाफ चाहिए सर, 3 साल से मेरा शोषण हो रहा है। चकेरी थाना अंतर्गत छतकी रहने वाली एक महिला थाना चकेरी पर आई और यह सूचना दिया कि उसकी शादी लगभग 6 वर्ष पूर्व मोहित कुशवाहा नामक व्यक्ति से हुई थी, जिसके एक बच्चा भी है और वह काफ़ी उसको मारता पीटता प्रताड़ित करता था। इन बातों से वह उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। तभी उससे कल्लू नामक एक व्यक्ति संपर्क करता है, वह उसको अच्छे जीवन रहन सहन की आश्वासन देकर उसके साथ शादी करने का झांसा देकर के अपने साथ रख लेता है। लगभग 2 वर्षों से वह उसके साथ रह रही थी। अब वो अपने घर लेके जब जाता है तो उसको पता चलता है कि वो कल्लू और सोहनलाल न होकर के अब्दुल वाहिद सनाफ अब्दुल अहमद अतरबाबाद जाजमऊ छत का रहने वाला है और 2 सालों से वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस संबंध में उसके द्वारा बताया गया कि उसने उसके साथ धोखा और किया है। इस संबंध में थाना चकेरी पर मुकदमा अपराध संख्या 427/23, धारा 420, 376, 406, 323, 506 IPC व 351 उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, एक महिला ने शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने का आरोप एक युवक पर लगाया है, क्या कुछ है ये पूरा मामला और कहां का है ये पूरा मामला अनिल? जी बिल्कुल, बता दूं कि चकेरी थाना क्षेत्र का मामला है और ये मामला लगभग एक महिला ने एक आरोप लगाया है कल्लू नाम के व्यक्ति के ऊपर कि पिछले दो साल से उसका शारीरिक शोषण करा था। हालांकि महिला शादीशुदा थी और महिला मोहित नाम के व्यक्ति से हुई थी और मोहित नाम के व्यक्ति के छह महीने के बाद इनमें अनबन शुरू हुआ, जिसके चलते कहीं ना कहीं महिला दूसरी जगह रहने लगी थी। दूसरी जगह रहने के बाद जिस हिसाब से जो महिला ने आरोप लगाया है कि लगभग 2 साल पहले कल्लू नाम व्यक्ति से उससे अफेयर हुआ, अफेयर होने के बाद में उसके साथ लिव इन में रह रही थी, लेकिन जब उसको असलियत पता चली कि उसका नाम कल्लू नहीं एक वाहिद है, तो कहीं ना कहीं एक उसको एक बड़ा झूठ आने के बाद उसने फिर पुलिस पे एक एप्लीकेशन दी है, जिसमें एप्लीकेशन में उसने इस पर झूठे आरोप एक आरोप लगाया है कि उसको एक गलत काम से उसके साथ लिबरेशन रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात होती है, कानपुर में लगातार इस तरीके के प्रकरण आते चले जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कानपुर प्रशासन इस लेकर सुस्त रवैया अपना रहा है। जी ठीक है, लेकिन अगर अनिल हम इस मामले को जरा गौर से देखें तो महिला ने आरोप लगाया कि ये जो युवक है ये इसके पति का दोस्त था और जब इसके पति को महिला के पति को इन दोनों के संबंधों के बारे में जानकारी हुई तो महिला का पति उसे छोड़कर चला गया, जिसके बाद ये महिला उस युवक के साथ लगातार रहती है। तो दोस्त होने के बाद आखिर सच्चाई महिला को नहीं पता चलती है, ये बात थोड़ी अटपटी है अनिल। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस हिसाब से महिला ने आरोप लगाया है तो कहीं ना कहीं अगर मोहित के साथ इनका लगातार कोई ना कुछ विवाद चल रहा था तो कहीं ना कहीं ये कारण ये भी हो सकता है कि उसका अफेयर उसके दोस्त के साथ ही चल रहा था। लेकिन जिस हिसाब से लगभग पिछले 2 साल से कल्लू नाम के व्यक्ति साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी, तो कहीं ना कहीं ये चीज समझने वाली बात होगी और विवेचना का विषय होगा कि पुलिस किस हिसाब से विवेचना करती है। लेकिन पुलिस ने इसमें 376 समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा लिख लिया, मुकदमा लिखने के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि अभी कल्लू फरार है, कल्लू पकड़ने के लिए पुलिस ने कानपुर कमिश्नर पुलिस ने इसमें टीमें गठित कर दी है, गठित करने के बाद उसका ढूंढने की कार्रवाई की जा रही है। अभी देखने वाली बात होगी कल्लू कब तक गिरफ्तार होता है, गिरफ्तार करने के बाद कल्लू की तरफ से क्या कुछ जवाब मिलता है। जी ठीक है अनिल, लेकिन जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो हमने अक्सर देखा है कि बजरंग दल या कई ऐसे हिंदू दल है जो कहीं ना कहीं एक्टिव हो जाते हैं, तो क्या इस मामले पर भी कोई ऐसे दल एक्टिव है जो महिला के साथ इस वक्त खड़े नजर आए हैं? जी बिल्कुल, ऐसा भी कुछ ऐसा सोचने देखने को नहीं मिल रहा है कि इस तरीके के कोई संगठन इनके पक्ष में आए हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये मामला का तुम पकड़ेगा तो हिंदू संगठन और बजरंग दल जैसे अन्य जो संगठन है हो सकता है महिला के पक्ष में खड़े हो और खड़े होने के बाद में इनके खिलाफ कार्रवाई की बात करेंगे। हालांकि मेन मुद्दा होता है FIR लिखने का, पुलिस ने इसमें FIR लिख ली, FIR लिखने के बाद उस पर कार्रवाई करने की बात कर। बिल्कुल अनिल, जिस तरीके से अभी जिक्र किया महिला ने कि 2 साल के बाद उस पूरे मामले का खुलासा हुआ जब महिला ने शादी का दबाव बनाया तो जाकर के महिला को उस युवक की सच्चाई पता चली, तो आखिर किस तरीके से इस सच से पर्दा उठा कि जो युवक है वो दूसरे धर्म का है? अभी इस मामले में महिला ने पूरी जानकारी तो नहीं दी, लेकिन उसने साफ कहा है कि पहले जब उसने उसका अफेयर चल रहा था, क्योंकि ये जो कल्लू है एक मैकेनिक है और मैकेनिक के पास ये अपनी गाड़ी स्कूटी बनाने जाया करते थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों में बातचीत बढ़ी और बातचीत बढ़ने के बाद में ये लोग एक दूसरे से मिलने लगे। उसके बाद लगातार पिछले 2 साल से जैसा कि महिला ने बताया है कि लिविंग रिलेशन में गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न है कि अगर 2 साल से साथ रहते थे और उस महिला के बारे में पुरुष के बारे में उसको पता नहीं चल पाया, लेकिन मुख्य बात ये विवेचना में ही निकल के आएगी कि महिला को कल्लू के बारे में कुछ पता था कि नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद अनिल इस खबर पर जुड़ते हुए हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। खबर फरीदाबाद से है जहां 15 साल की नाबालिग बच्ची ने अपने 12 साल के भाई की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि बहन को लगने लगा था कि उसके माता पिता भाई से ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि परिजनों ने उसे मोबाइल दिया था। वही हत्या वाले दिन भाई मोबाइल में गेम खेल रहा था, तब आरोपी बहन ने मोबाइल मांगा, उसने मोबाइल देने से इनकार कर दिया। इस पर गुस्से में आकर बहन ने उसका गला दबाते हुए भाई की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस नाबालिग बच्ची से उसके परिजनों की मौजूदगी में पूछताछ कर रही है, जिसके बाद उसने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। पूरा मामला फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का बताया जा रहा है जहां एक नाबालिग बहन ने ही अपने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल बहन को ये लगने लगा था कि जो परिवार वाले हैं वो उसके भाई से ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि परिजनों ने जो बहन है उसके भाई को एक मोबाइल दे दिया, जिसके बाद मोबाइल मांगने पर जब फोन नहीं मिला तो बहन का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने गला दबाते हुए अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। तो वही पुलिस अब जो नाबालिग बहन है उससे पूछताछ परिजनों की मौजूदगी में कर रहे हैं। ये कल शाम की घटना है बल्लभगढ़ की, और एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्चा जिसकी हत्या हुई, इसमें पिता ने शिकायत दी कि उसके बच्चे की किसी ने हत्या कर दी है। पुलिस ने इसमें पूछताछ की परिजनों के और आसपास के लोगों से, तो इसमें पता लगा कि जो मियां बीवी हैं यहाँ पे प्राइवेट जॉब करते हैं अलग अलग कंपनी में, और इनके बच्चे गाँव में जिला औरैया काकोर के रहने वाले हैं। पीछे से दादा दादी के पास इनका बेटा बेटी जो नाबालिग हैं वहाँ पे पढ़ते थे। गर्मी की छुट्टियों में यहाँ पे करीब 10-12 दिन से यहाँ आए हुए थे, और लड़की से जब पूछताछ हुई कि अभी कोई घर में आया था या नहीं आया था, इस तरीके जब पूछताछ हुई थोड़ा सा, तो पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि लड़की ने ही अपने नाबालिग भाई की गला दबाकर हत्या कर दी। तो उसमें सामने आया कि लड़की को लगा कि उसके माँ बाप जो यहाँ बल्लभगढ़ में रहते थे अपने बेटे यानी कि लड़की के भाई से ज़्यादा प्यार करते हैं, लड़की से प्यार नहीं करते हैं, और लड़के के पास फ़ोन रहता था और वो उसमें गेम खेलता रहता था पूरे दिन। जब लड़की ने कल उससे फ़ोन मांगा तो उसने उसको भी नहीं दिया, तो वो इससे कुछ चिढ़ थी, आप भी माँ बाप मेरे से प्यार नहीं करते, उसी से प्यार करते हैं, फ़ोन भी नहीं देता है, उसी से लाड़ प्यार जा रहा था। इस वजह से कल फ़ोन लेने की बात पर कुछ कहा सुनी हुई दोनों नाबालिग भाई बहनों की, और फोन ना देने पर लड़की ने तो गुस्से में आके उसके गला दबा दिया, जिसकी मृत्यु हो गई। बच्चों के साथ पता नहीं क्या, मैं तो जॉब पे गई थी, वहाँ से 6 बजे छुट्टी हुई थी, हमारी बच्चे से 4:30 बजे बात हुई थी, 5 बजे तक बात हुई, उसके बाद फ़ोन किया फ़ोन रिसीव नहीं हुआ, फिर उसके बाद फोन किया तो ये सो रहा था, लड़की गई थी कपड़ा लेने छत पे, तो वो 1 घंटा वहाँ आंटी जी के पास में रुक गए। वहाँ से आई तो उसने ना देखा कि भाई सो रहा, पर किसी ने ना उसका गला पहले दबा दिया था। तो वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, कल जब इस मामले पर बयान आया तो ये कहा गया कि जो बच्ची है जो नाबालिग भाई की बहन है वो छत पर थी, वो एक युवती के साथ मौजूद थी, छत पर बातचीत कर रही थी और वो इस मामले में कहीं ना कहीं गुनहगार नहीं है। लेकिन अब आज उसका एक दूसरा पहलू सामने आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो बहन है उसी ने अपने भाई का कत्ल किया है। जी हाँ, बता दूं कि ये पुलिस ने अपने जांच में
है कि जो बच्चे की जो अपने खुद भाई की हत्या की है उसकी बड़ी बहन ने की है, जिसकी उम्र लगभग 14-15 वर्ष के करीब है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि घटना के समय बहन और भाई ही मौके पे थे, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही अपने दादा दादी के यहाँ से, जो कि वहाँ पर रहकर पढ़ाई करते हैं, उनके माता पिता यहाँ बल्लभगढ़ में रहते हैं और वो भी अभी एक महीने पहले किराए पर आए थे और यहाँ रहकर वो काम करते हैं, दोनों जॉब पर जाते हैं। घटना के समय भी घर पर कोई नहीं था, दोनों भाई बहन अकेले थे और जैसे पुलिस ने स्पष्ट कर बताया कि बच्ची ने मोबाइल मांगा भाई से और मोबाइल भाई ने नहीं दिया, इसी क्रोध में आकर बच्ची अपने भाई की गलत हत्या कर दी। और पुलिस ने बताया कि जैसे कि बच्ची से पूछताछ में सामने आया कि बच्ची का कहना था कि उसके माँ बाप भाई से ज्यादा प्यार करते थे, उससे प्यार नहीं करते थे, ये भी कुछ कारण स्पष्ट सामने आए हैं, इसी कारणों के चलते बहन ने ही भाई की हत्या कर दी, जो पुलिस ने खुलासा किया। जी ठीक है मनोज, ये कहा जा रहा है कि मोबाइल नहीं मिलने पर जो बहन है उसने अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया, तो क्या सिर्फ यही वजह है या अभी कुछ और भी पहलू है जो निकल के सामने आना बाकी है? नहीं, बच्चे काफी छोटे हैं, नाबालिग हैं दोनों बच्चे, इसलिए अभी कोई और वजह तो सामने निकल के नहीं आई है, लेकिन जो सामने निकल कर आई है बच्ची से पूछताछ में जो सामने आया है, उसने बताया कि भाई इससे ज्यादा प्यार करते थे और उसके बाद उससे कम प्यार करते थे और मोबाइल उसने जब मांगा मोबाइल भाई ने नहीं, उसके छोटे भाई ने नहीं दिया, इन्हीं कारणों के चलते इस बच्ची ने उससे गलत हत्या कर दी, यही कारण अभी जो निकल के आए हैं, अभी ये निकल के आए हैं। लेकिन उन माँ बाप को भी के लिए भी बड़ी सोचने वाली खबर है, हर माँ बाप के लिए सोचने वाली खबर है कि एक मोबाइल ऐसी वजह बन गया जिससे एक बहन ने भाई की हत्या कर दी, जबकि माँ बाप के लिए बच्चे सही बराबर होते हैं, जो बहन का जो बयान आया कि भाई से ज्यादा प्यार करते थे, उससे कम प्यार करते थे, जबकि माँ बाप के लिए सभी बच्चे बराबर होते ठीक हैं। ठीक है मनोज, कहीं ना कहीं ये माना जाए कि मोबाइल ही पूरे फसाद की जड़ थी, पूरे हत्याकांड की जड़ कहीं ना कहीं जो है वो एक मोबाइल था, लेकिन अब यहाँ अहम ये हो जाता है कि जो बच्ची है, जो कातिल है, वो भी नाबालिग है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है, तो किस तरीके से पूछताछ की जा रही है और ये पूछताछ कहाँ हो रही है बच्ची से? देखिए पूछताछ जो हुई थी वो क्या नाम है, पुलिस सिविल में थी और क्या नाम माँ बाप के सामने ही सारी पूछताछ हुई बच्ची से, और बच्ची ने ही माँ बाप के सामने अपने परिजनों के और जो सिविल पुलिस के सामने जो पुलिस बिना वर्दी के थी उस बच्ची से बातचीत की और उसने वहीं पे जो अपना जो खुलासा किया, अपने जो हत्या की वजह बताई बच्ची ने, उनके सामने बताई। बिल्कुल धन्यवाद मनोज इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। अब खबर सहारनपुर से है जहां मसाज सेंटर और रेस्टोरेंट के अंदर लड़के लड़कियों को बैठाकर अश्लील हरकतें करने वाले होटल मालिकों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है, जिसके बाद दर्जनों लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वहीं सहारनपुर में कोर्ट रोड स्थित पार्वतेश्वर प्लाजा सहित जनपद में विभिन्न जगहों पर स्पा सेंटर्स पर पुलिस जबरदस्त छापेमारी कर रही है। स्पा सेंटर्स पर देह व्यापार का धंधा होने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस द्वारा ये चेकिंग अभियान चलाया गया है। तो पुलिस ने मसाज सेंटर्स पर चेकिंग अभियान चलाया है, वही मसाज की आड़ में धंधा करने वाले लोगों को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। वही पुलिस की टीम मौजूद रही जिनकी मौजूदगी में यह अभियान चलाया गया है। एक विषय आज काफ़ी शिकायतें मिल रही थी शहर में कि जो मेन मार्केट्स हैं, जैसे जो मॉल्स हो गए वहाँ पे इस तरह का कुछ गलत कार्य हो रहा है, नैतिक कार्य हो रहे हैं, तो उस वजह से भी आज स्पेशली टीम बनाई गई थी, कुछ 60-70 लोग हमने पुलिस लाइन में क्लोज किए थे और उनको गोपनीय सूचना में हमने उनको बताया नहीं था कि वो कहाँ निकल रहे हैं। हर टीम में 2-3 लेडीज़ कॉन्स्टेबल और एक लेडी सब इंस्पेक्टर दी गई थी और राजपत्र अधिकारियों के नेतृत्व में ये टीम गई थी अलग अलग जगह, एक मेरे नेतृत्व में यहाँ पे पासनाथ प्लाजा में आई हैं, इस तरह से GNG मॉल में एक टीम गई हुई है और एक घंटाघर में टीम गई थी। क्या काम है भाई? जी यहाँ पे सारे स्पा की जो चेकिंग करी गई है, यहाँ पे भी जैसे 4 स्पा सेंटर चल रहे थे, 2 ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट में चल रहे थे, एक सेकेंड फ्लोर पर और एक टॉप फ्लोर पर चल रहा था, तो चेकिंग की गई थी इनके द्वारा क्या लाइसेंस लिए गए हैं, इन्होंने क्या नियम कानून का पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनके रजिस्टर्स देखे गए थे और तलाशी ली गई थी, कुछ आपत्तिजनक वस्तु मिली है, उनके DVR कब्जे में लिए गए हैं, क्योंकि शिकायतें आई हैं तो एक बार DVR CCTV वेरीफाई किए जाएंगे। तो ये पूरा मामला सहारनपुर से है जहां मसाज पार्लर्स पर छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली। मसाज पार्लर्स पर चेकिंग अभियान चलाया गया, इस दौरान कई युवक और युवतियों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा भी गया है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, सहारनपुर में मसाज पार्लर्स पर छापेमारी की कार्रवाई की गई, किस बनाम के आधार पर यह कार्रवाई की गई और ये छापेमारी कहां कहां पर की गई है? देखिए छापेमारी जो है कोर्ट रोड जो सहारनपुर का हार्ट माना जाता है वहां पर छापेमारी लगातार की गई है और जिस तरीके से 40 को
गिरफ्तार किया गया है। अभी तक प्रशासन द्वारा कोई भी FIR अभी तक नहीं की गई है और जो संचालक है वो अभी फरार है। बिल्कुल, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं बांदा में पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीण डीएम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने लिखित शिकायती पत्र दिया और ग्रामीणों ने बताया कि दूषित पानी पीने से गांव के कई लोग बीमार हो रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। मामला सदर तहसील के अचरौड़ गाँव का बताया गया है। समस्या का ले लिया क्या है मामला? मामला क्या मामला है? मामला ये है कि जो रिंग बोर है, रिंग बोर से पानी ग्राम पंचायत अछौड़ के लिए सप्लाई दी जा रही है, वो पानी दूषित है, जिसको पीने के पश्चात ग्रामवासी ज़्यादातर बीमार पड़ रहे हैं। जुकाम, खांसी और पेट दर्द जैसी समस्याओं से अत्यंत ग्रसित है, उसमें से 50% लोग ज़्यादातर इस विषय को लेकर ग्रसित है। इसी के लिए हम लोग पानी का सैंपल लेकर के बॉटल में प्रार्थना पत्र के साथ माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास में आए हैं कि इस पानी की गुणवत्ता की जाँच हो प्रधान था, और जब तक उसके पानी में शुद्धता नहीं हो जाती तब तक उस रिंग बोर बंद कर दिया जाए और ग्राम पंचायत के लोगों के लिए पेयजल की जो व्यवस्था है भूलागढ़ जल संस्थान से निरंतर सप्लाई दी जाए सुबह शाम। खबर शाहजहांपुर से है, जहां लोग जल्द ही अब रोप वे का आनंद उठा पाएंगे। जी हां, नगर निगम द्वारा सिटी पार्क से हनुमत धाम मंदिर तक रोप वे बनाया जाएगा। वहीं रोप वे स्टेशन के सफल निर्माण के लिए नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा और अन्य के द्वारा निरीक्षण भी किया गया है। साइट विजिट में सिटी पार्क के पीछे से रोडवेज स्टेशन के निर्माण और हनुमत धाम मंदिर के पास स्टेशन के निर्माण के लिए कार्य स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें तकनीक और वित्तीय स्थितियों को भी जाना गया। इस मौके पर नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त ऊर्जा और सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता भी मौजूद रहे। पर्यटक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में एक रोपवे निर्माणाधीन है, रोपवे का प्रस्ताव है, प्रपोजल है, जो कि यहाँ से सिटी पार्क के पास से शुरू होकर हनुमत धाम तक जाने का एक इनिशियल प्रस्ताव है। इसको NHML नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड इसके द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाना है, इस एजेंसी के द्वारा। तो उनकी टीम के लोग आए हुए हैं जो कि अभी इसके फिजिकल इंस्पेक्शंस कर रहे हैं साइट का, कि कहां से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, अलाइनमेंट क्या होगा और फिजिबिलिटी की स्टडी होगी। बुलंदशहर में नीम नदी के पुनर्जीवन के लिए ग्राम पंचायत अमरगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन खंड विकास अधिकारी ऊंचा गांव सतीश सिंह और खंड विकास अधिकारी राजकुमार शर्मा ने किया। इस दौरान ग्रामीणों और मनरेगा के मजदूरों ने नीम नदी की सफाई खुदाई का काम किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन संस्था की जिला अध्यक्ष लक्ष्मी शर्मा के द्वारा किया गया। वहीं जीवन धारा नमामि गंगे फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने कार्यक्रम में कहा कि नीम नदी के नव जीवन के लिए जल बचाना जरूरी है। नीम नदी के इस अभियान में स्थानीय ग्रामीणों को आगे आना चाहिए, जिससे नीम नदी के नव जीवन में सहयोग हो सके। खबर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां राजाजीपुरम में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिससे गाड़ी में मौजूद दो युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने आनन फानन में दोनों को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया। वहीं MIS चौराहे पर राजाजीपुरम की यह पूरी घटना बताई गई है। तो सड़क हादसे की ये तस्वीरें लखनऊ से है, जहां पेड़ से एक तेज रफ्तार कार टकरा जाती है, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवार दो युवकों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है। लखनऊ में लापता युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ठाकुरगंज निवासी शोएब अली कई दिनों से लापता थे, जिसके बाद उनका शव बरामद किया गया है। वहीं राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को निकाला बाहर, और बताया जा रहा है कि युवक नशे का आदी था। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप भी लगाया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना मड़ियाओ क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया गया। तो खबर लखनऊ से है, जहां लापता युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। आपको बताते चले कि परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। वही हत्या का आरोप लगाते हुए अब परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए कार्रवाई किए जाने की भी मांग की है, जिसकी जांच पड़ताल में अब पुलिस जुट गई है। तो ये पूरा मामला लखनऊ से है, जहां कई दिनों से लापता युवक का शव आखिरकार पुलिस ने बरामद कर लिया है।
नहीं, डेड बॉडी जो है आज से करीबन हफ्ता 10 दिन पूर्व एक सादिक नाम के युवक की यहाँ से गुमशुदगी यहाँ दर्ज हुई थी, और तुरंत जैसे ही इनके परिजनों ने बताया तो इस संबंध में गुमशुदगी विधिक रूप से दर्ज हुई, खोजबीन भी हो रही थी। इसी क्रम में आज जो ठाकुरगंज और मड़ियाँ के सीमा पर एक पीपा का पुल है वहाँ पर इनकी डेड बॉडी प्राप्त हुई है, और चूंकि इसकी तस्दीक भी हो गई है यहाँ से, इनके भाइयों से बातचीत हुई है, अब इस संबंध में जो भी उचित एवं विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो इस खबर पर ओवैस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओवैस, 10 दिनों से तकरीबन लापता युवक का शव आखिरकार बरामद किया गया है, लेकिन इस पूरे मामले पर जो मृतक के परिजन है वो क्या कुछ कह रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि मृतक का परिजनों का परिजन जो है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि वो परेशान थे और अभी तो वो सदमे से उभर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो जवान बेटा उनका जो है वो उसकी जान गई है, और उन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि मैंने गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वो दर्ज कराई थी, और उसके बाद भी मेरा जो बेटा था उसका इतने दिनों के बाद पता चला और पुलिस की हिला हवाली से ये जो है इतने टाइम लग गया और मेरा बेटा जो है मौत की नींद सो गया और मुझे पता भी नहीं चला। जी ठीक है, ओवैस, जिस तरीके से परिजन इस पूरे मामले को लेकर हत्या का आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने शक किस पर जाहिर किया है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि उन्होंने किसके ऊपर शक जाहिर किया है। फिलहाल परिजनों का साफ तौर पर यह कहना था कि इतना टाइम के बाद भी पुलिस पता नहीं लगा पाई, और बाद में उनके जो बेटा था उसका शव जो है वहाँ पीपे वाले पुल पे मिला है नदी किनारे, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये पुलिस की जो हिला हवाली है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी इन लोगों ने इतना समय लगाया और पता नहीं कर पाए कि अभी तक क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कोई कुछ सही जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, धन्यवाद ओवैस इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना बन्ना देवी क्षेत्र के अंतर्गत जिला अस्पताल मलखान सिंह में आए दिन चोरी की वारदात हो रही है, लेकिन चोरी की वारदातों पर पुलिस अंकुश लगाने में कहीं ना कहीं नाकाम नजर आ रही है। बता दें कि मलखान सिंह में चाय बनाने वाले की स्कूटी लेकर चोर फरार हो गए, जिसके बाद घटना की सूचना इलाका पुलिस को दी गई। जिला अस्पताल में चोर उचक्कों के बढ़ते आतंक से जिला अस्पताल की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन पुलिस ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने में नाकाम नजर आ रही है। तो वहीं गाजियाबाद में वैशाली मेट्रो स्टेशन पर बनी दुकानों में आग लग गई है। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया। बताया जा रहा है कि बेकरी और फास्ट फूड की दुकानों में आग लगी थी, जिसको बुझा दिया गया है, तो वहीं एक दुकान में रखा हुआ सामान जल गया। आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है और पुलिस अब मामले की जाँच कर रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।